नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के मेहता क्लब में निशुल्क टीकाकरण कैंप का हुआ आयोजन। मुजफ्फरनगर के मीरापुर नगर पंचायत द्वारा संचारी रोगों से नियंत्रण हेतु नगर के प्रत्येक वार्ड में चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। मीरापुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविरों का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के जानसठ में ब्राह्मण समाज का परिचय व सम्मान समारोह किया गया आयोजित। राकेश शर्मा को किया गया सम्मानित। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी जगबीर सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। मुजफ्फरनगर जानसठ तहसील परिसर के कंप्यूटर कक्ष में लगी तारों में आग, परिसर में मचा हड़कंप। चरथावल थाना क्षेत्र में विक्की त्यागी गैंग के शार्प शूटर की संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली लाश, पुलिस ने मामले को बताया आत्महत्या। दिल्ली पौड़ी राजमार्ग बना हादसों का सबब, आए दिन हो रहे हादसों के चलते ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में विक्की त्यागी गैंग के शार्प शूटर की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस मामले को आत्महत्या बता रही है। कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी गैंग के शार्प शूटर सोनू त्यागी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया। सोनू त्यागी 15 दिन पहले ही सिपाही की हत्या के मामले में जेल से बाहर आया था। वह बीते दिवस लापता हो गया था और एक के खेत से उसका शव बरामद हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव चोखड़ा निवासी सोनू त्यागी गैंगस्टर विक्की त्यागी गैंग का शार्प शूटर था और कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। उस पर एक सिपाही चुन्नीलाल की हत्या का मामला दर्ज है, जिसमें उसे जेल हो गई थी और 15 दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। बीते दिवस वह अपने घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी सभी संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। देर शाम ग्रामीण अपने खेत में गए तो उन्हें सोनू त्यागी का शव एक ही के खेत में अमरूद के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते बिलखते वहां पर पहुंचे। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मामले में वो झगड़े में जगह था, फिर गांव को लगे, फिर लोग दी चले गए। अब तो फिर झगड़े को सुन मिली थी, झगड़ा एक मुँह था मिस्त्री था, फिलहाल उसकी मार पिटाई हो गई थी। बताया वोट कर दी, वोट करने को जेल चलेगा तो पहली मिली थी। और कोई अभी साबित नहीं, कोई नहीं साबित करे, अभी बाहर तो किसी साथी नहीं मान दे किसी। ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक जो अब पुराना अपराधी है और उसमें सूचना मिली थी कि उसने सुसाइड कर ली है। सूचना मिलते ही मौके पे पुलिस पहुंची थी और बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया पोस्टमार्टम के लिए और उसी के आधार पर हम आगे की भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई कारण नहीं आया है, कोई तहरीकी बात नहीं है, जो भी होता है उस आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा जानसठ में ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ कस्बे में ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों व युवाओं द्वारा एक ब्राह्मण समाज परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राकेश शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर
जोरदार स्वागत किया गया। सोमवार को कस्बा जानसठ में सीताराम शर्मा के आवास पर ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग व युवाओं का एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर से पहुंचे वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा ने सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भगवान परशुराम को नमन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित विजयलाल शर्मा के द्वारा की गई तथा कार्यक्रम का संचालन पंडित ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में राकेश शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे तथा युवा नेता राकेश शर्मा ने भगवान श्री परशुराम के जयकारे लगाते हुए कहा कि आगामी 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर में GIC मैदान में आयोजित होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में अधिक से अधिक ब्राह्मणों के पहुंचने तथा सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया तथा ब्राह्मण एकता पर बल देते हुए सभी को संगठित रहने का आह्वान तथा ब्राह्मण समाज का गौरव बढ़ाने और ब्राह्मण एकता का परिचय देने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील परिसर स्थित कंप्यूटर कक्ष में शॉर्ट सर्किट होने के चलते बिजली के तारों में आग लग गई, जिससे परिसर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसर तहसील परिसर में कंप्यूटर कक्ष में बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से बिजली के केबल में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं फरल लेने आए किसानों में अफरा तफरी मच गई। सोमवार को जानसर तहसील परिसर में बने कंप्यूटर कक्ष में अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बिजली के तारों में आग धू धू कर जलने लगी। बिजली के तारों में लगी आग के जलने के कारण वहीं बराबर में बनी खिड़की पर किसान फरल देने के लिए खड़े हुए थे। बिजली के तारों में आग जलती देख किसानों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया तथा कंप्यूटर कक्ष में आग लगने के कारण किसानों को फरल लेने में शाम तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर जनपद में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी जगबीर सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी जगबीर सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के उपरांत पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने दक्षिण सिविल लाइन आवास पर पहुंचे जनपद के किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की पुण्यतिथि सर्व समाज के लोग किसान बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर किसानों व मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्होंने बताया कि किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। वह हमेशा किसानों और मजदूरों की समस्या को उठाते रहे। शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जो मिशन उनके पिताजी के द्वारा चलाया गया था उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और वह किसानों व मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आज किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह जी की पुण्यतिथि थी, 18वीं पुण्यतिथि। उसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के किसान आए थे और किसानों ने जो है यज के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी है और जो है जो उनका उन्होंने जो रास्ता बताया था किसानों की लड़ाई लड़ने का, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने सबने कहा कि जो चौधरी जगबीर सिंह जी ने रास्ता बताया उस पर हम चल के किसानों, वो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों की, गरीब की, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है हमेशा। जो है वो जब भी कोई बात किसान पर कोई समस्या आती थी उसको लेकर खड़े हो जाते थे। आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि है। 18वीं पुण्यतिथि पर जो है जनपद के किसानों ने किसान बलिदान दिवस के रूप में उनका जो है आज पुण्यतिथि को मनाया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में नगर पंचायत द्वारा संचारी रोगों से नियंत्रण हेतु नगर के प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे को संक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पंचायत मीरापुर द्वारा महाअभियान शुरू किया गया है, जिसमें कस्बे की गलियों, मकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया गया, जिसमें कई वाहनों को भी लगाया गया था। नगर पंचायत के कर्मचारी 2 सप्ताह से कस्बे की गलियों, नालियों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी कमलकांत राजवंशी ने बताया कि कस्बे में नगर पंचायत द्वारा अपने कर्मचारियों से दवाई व संसाधनों को भेजकर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। में हर एक वार्ड के लिए एक मोहल्ला निगरानी की टीम बनाई गई है, जो सैनिटाइज व साफ सफाई के कार्यों में सहयोग करती है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र के मेहता क्लब में निशुल्क कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी क्षेत्र के मेहता क्लब में निशुल्क टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। टीकाकरण कैंप से पहले क्षेत्रवासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया, जिससे अधिक से अधिक लोग मुफ्त टीकाकरण का लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ मेहता क्लब में 8 दिन से ये कैंप चल रहा है, जिसमें लगभग 300 डोज डेली लग रही है और काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, गांव से भी आ रहे हैं और शहर वगैरह से भी आ रहे हैं। और मैं इसका जो संचालक है संजय जैन गुड्डू जी है, जो इसके सेक्रेटरी है, दूसरा संजय मित्तल है, विकल्प जैन है,
प्रमोद गुप्ता है, अनिल गोयल है और रिंकू जैन है जो इसका संचालक कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसमें हर वर्ग के लोग वैक्सीन लगा रहे आने आ रहे हैं। 7 दिन तो कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, आज दोनों कोवैक्स कोविड और दोनों वैक्सीन लग रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ, जहां 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के अंतर्गत मीरापुर क्षेत्र के मोहल्ला मुस्तरक में सैयद नजीर हैदर ज़ियादी की आवाज़ पर सोमवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा टीम की ओर से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के पंजीयन कर टीका लगाया गया। इस दौरान समाज सेवी सैयद नजीर हैदर ज़ियादी ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइंस की पालना करने का आह्वान किया। इसी प्रकार कस्बे के मोहल्ला मुस्तरक में भी सोमवार को शिविर आयोजित किया गया। समाज सेवी सैयद नजीर हैदर ज़ियादी ने बताया कि शिविर में सैकड़ों लोगों ने टीकाकरण किया है और उन्होंने कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी है। मुजफ्फरनगर का दिल्ली पौड़ी राजमार्ग इन दिनों हादसों का सबब बना हुआ है, जिससे आए दिन हो रहे हादसों के चलते ब्राह्मण समाज में काफी रोष व्याप्त है। गहरे गहरे गड्ढों के चलते लगातार हो रही दुर्घटनाओं से परेशान होकर शिवपुरी के ग्रामीणों ने इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सराहनीय पहल शुरू करते हुए खुद राजमार्ग के गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के इस जज्बे की लोग सराहना कर रहे हैं। मीरापुर क्षेत्र में दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर मीरापुर से बिजनौर के बीच सड़कों में बने गहरे गहरे गड्ढे आए दिन हादसों का कारण बनते हैं, जिनकी हालत बस से बदतर हो चुकी है। इस मार्ग को देखकर प्रतीत हो रहा है कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बनी हुई है, जिसके चलते इस राजमार्ग पर प्रतिदिन कोई न कोई हादसा हो जाता है। सड़क में बने गड्ढों में दोपहिया व चौपहिया वाहनों के पहिए गिरने से या गड्ढों को बचाने के प्रयास में पिछले 6 माह में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वाधिक दुर्घटनाएं गांव शिवपुरी व सिखरेड़ा के समीप हुई है, जिसके चलते ग्रामीण लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दहशत में रहने लगे हैं, जिसके चलते ग्रामीण सैकड़ों बार NHAI के अधिकारियों से भी उक्त गड्ढों को भरवाने की गुहार लगा चुके हैं, किंतु लगातार शिकायत के बावजूद भी जब NHAI के अधिकारियों ने इन गड्ढों को नहीं भरवाया तो ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी इन्हें भरवाने की गुहार लगाई, किंतु हर बार निराशा ही हाथ लगी, जिस कारण गड्ढों के चलते दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी, जिसके बाद इन गड्ढों के चलते होने वाली दुर्घटनाओं से परेशान होकर लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए शिवपुरी के ग्रामीणों ने गांव के सामने बने गड्ढों को खुद भरने का निर्णय लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने वाला आरोपी रोहाना तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक रामेश्वर ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी शाकिब पुत्र रियासत उर्फ राशद निवासी नगला राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।